Good morning, children. Welcome back to online class. Student of class seven. Subject SST, chapter number nine, and the name of this chapter is the flowering of regional culture. Students, we have already studied about uh, almost two or three topic of this chapter, like in south. एंड ऑल्सो इन नॉर्थ नॉर्थ वाज द गीत गोविंद वे आर रिटन बाय द जयदेव जो कि नॉर्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जिसे गीत गोविंद जो कि जयदेव ने लिखा था साउथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि पंपा पोना और राना ये थ्री जेल्स जो है वो कन्नड़ लिटरेचर का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जो कलना लिटरेचर जो है वह माना जाता है नाउ वी आर हैविंग विथ दिस दिस टू टॉपिक नेम इज पेंटिंग एंड मैनचर पेंटिंग एंड ऑल्सो वन टॉपिक इज गिवन इन बिलो दैट इज थर्ड टॉपिक इज म्यूजिक एंड डांस विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो वेरी इम्प्रेसिव फॉर ऑल द स्टूडेंट एंड ऑल्सो मी सभी लोग को डांस और म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है नाव वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेंटिंग सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को बता दूँ कि ऑल द स्टूडेंट प्लीज इट इज अ कोल लिग बेस्ट प्लीज कीप यर बुक इन फ्रंट ऑफ यू आप सभी लोग जो है अपने सामने बुक रखें क्योंकि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये अपने इंडियन हेरिटेज के बारे में है और इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले आपको बुक रखना पड़ेगा जो कि पेज नंबर नाइन्टी थ्री है एस एस टी का क्लास सेवन का सो स्टूडेंट लिसन केयरफुली ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ अ डेकोरेटिंग म्यूर पॉप्यूलर ज्यूरिंग मिडाविल टाइम ऑल ऑफ वी नो वेरी वेल दैट इंडिया वॉज अ वेरी इंफ्लुएंस ऑन इन द मिडावल पीरियड मिडाइव पीरियड के दौरान काफी प्रभावित हुआ हमारा भारत भारतीय समाज एक तरह से कह सकते हैं वो सिर्फ पॉलिटिकली नहीं सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं बल्कि कल्चर और ट्रेडिशन दोनों से काफ़ी प्रभावित हुआ नई नई चीज़ें नई नई सभ्यताएं नई नई लोगों के साथ हमारे भारतीय समाज में आई सबसे पहला जो तुर्किस लोग जो है हमारे मिडाइबिल पीरियड के दौरान आए उसमें से बहुत सारे आ, जो राजा महाराजा थे उन्होंने पेंटिंग्स बनाया पेंटिंग्स पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए उस मॉन्यूमेंट्स पर अपनी कृतियाँ जो उन्होंने की उस समय उन चीज़ों को भी दर्शाया एक्चुअली हम लोग देख देखते हैं तो हिस्ट्री में हम लोग पाते हैं कि जैसे स्तूप वगैरह का जो निर्माण जो है वह शुरू से ही हम लोगों ने देखा कि अशोक जो है वो हमेशा करवाता चला आ रहा था और अशोक के ज़माने से ये ज़्यादातर जो है हम लोग देखने को मिलता है और जो कि मिडावल पीरियड आते आते कुछ ज़्यादा ही होने लगा क्योंकि मिडावल पीरियड के दौरान ये ज़्यादातर उर्दू लिटरेचर्स का इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि वो लोग मुस्लिम थे और इस वजह से वो लोग उर्दू का ज़्यादा लफ्ज का इस्तेमाल किया करते थे अरबी का ज़्यादा होता था फारसी का ज़्यादा होता था ये सभी चीज़ें ये सभी मोन्यूमेंट्स पर जो है वह मैनू मैनुस्क्रिप्ट के रूप में जो है वह लिखी रहती हैं जिससे हमें पता चल पाता है उनके इन्फॉर्मेशन के बारे में कि उस समय के राजा महाराजा कैसे थे क्या सोच थी जन आ, मानस के बारे में लोगों के बारे में क्यों ये इतने बड़े बड़े जो है वो महल जो है वो बनाते थे क्यों ये इतने बड़े मॉस्क्यू का उन्होंने निर्माण करवाया है ना जैसे जामा मस्जिद जामा मस्जिद जो दिल्ली में अवस्थित है वह शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया आखिर क्या कारण था है ना तो ऐसी ऐसी चीजें जब मोन्यूमेंट्स को हम लोग देखते हैं पेंटिंग्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है न तो सबसे जो ओल्ड ट्रेडिशन जो है वो हमारा चलता आ रहा था क्या कि कला को दर्शाने के लिए हमें जैसे कि उस समय बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि पेपर्स की कमियाँ हुआ करती थी तो उसकी वजह से लोग दीवार पर बना देते थे पेंटिंग कपड़े पर ज़्यादातर पेंटिंग बनाते थे तो घर में जो रहने वाले जो लोग थे वो दीवारों पर जो है वो अच्छी तरह से जो है पेंटिंग जो है बनाते थे और ये काफ़ी मिडावल पीरियड के दौरान जो है वो काफ़ी पॉपुलर माना जाता था जैसे मिनिएचर पेंटिंग देखिए सम पेंटिंग्स एग्जीक्यूट विद अ ग्रेट डिटेल डेवलप बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ जैन मॉन्क्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया जैन मॉन्क्स जैन धर्म को मानने वाले जैरिन पेंटर्स ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द नाइन्थ एंड एलेवेंथ सेंचुरी बंगाल की जो पेंटिंग थी नौवीं शताब्दी और ग्यारहवीं शताब्दी के बीच काफी पॉपुलर हुई एंड द इलिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल टेक्स्ट ऑफ ए पाम लिव्स विल द मैनियचर पेंटिंग गेव द पीरियड राजपूत रूल्स वी आर द ग्रेट आर्ट ऑफ पेंटिंग जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि उस समय जो पहले के जमाना हुआ करता था तो पेपर वगैरह का इस्तेमाल कम कपड़े का, का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था तो इसलिए उस समय ऐसे पेड़ के छाल होते थे उस पर भी जो है वह पेंटिंग आसानी से बनाया जाता था मै पेंटिंग द ब्रिदेश्वर टेम्पल एट जो तंजौर जो तंजौर में बृद्धेश्वर टेम्पल है एंड इन द संगीता मंडपा एज कांचीपुरम मोस्ट पेंटिंग आर एग्जीक्यूट ऑन सर्फेस ऑफ लाइम प्लास्टर जो सभी जो पेंटिंग है वो लाइम प्लास्टर पर बने आज भी हम लोग देखते हैं कि अजंता एलोरा के गुफाओं में हम जब जाते हैं और पाते हैं तो वहाँ का मोस्टली जितना भी जो पेंटिंग बना हुआ दीवालों पर ही बना हुआ है क्योंकि उस समय के लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी टेक्नोलॉजी का अभाव था इसके कारण अंदर की जो भावनाएं आती थी कला का क्या मतलब होता है म्यूजिक का क्या मतलब होता म्यूजिक म्यूजिक क्या होता है म्यूजिक इज ए काइंड ऑफ ए आर्ट विच इज टू एक्सप्रेस योर इनर इमोशन संगीत एक ऐसा माध्यम होता है जो आपके अंदर कैसा इमोशन है या किसी चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो संगीत के माध्यम एक संगीत क्या होता है संप्रेशन होता है मीडियम होता है उस मीडियम से आप दूसरे को दर्शाते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग जब देखते हैं तो म्यूज़िक के बारे में हम लोगों ने भी बात किया पेंटिंग का जो इसी तरह से जो है पेंटिंग के बारे में भी उन लोगों को सोच आता था बहुत सारे चीज़ें थी जैसे कि राजा महाराजा थे तो राजा महाराजा को खुश करने के लिए उनकी पेंटिंग जो है उस समय बनाया करते थे चाहे राजा किसी आखेट यात्रा पे गया आखेट यात्रा के दौरान जो जो चीज़ें हुई उस चीज़ों को दर्शाते थे ताकि राजा खुश हो अब है म्यूजिक एंड डांस बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है अभी जितने सारे सभी स्टूडेंट हैं उनको एक क्लास का ये टॉपिक देखकर चेहरे चेहरों पर मुस्कान आ गया होगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर में इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें भी हो रही हैं पेंटिंग की बातें हो रही है म्यूजिक की बात हो रही है डांस की भी बातें हो रही हैं जो सबको लगभग प्रिय होता है द राजपूत एंड द चुलाज वेयर अ ग्रेट पैटर्न्स ऑफ़ म्यूजिक एंड राजपूत और चोलाज़ जो थे वो बहुत ही अच्छे जो है पैटर्न्स थे वो म्यूजिक एंड आर के आर्ट के संगीत और नृत्य के आर्टिस्ट वेयर द रिस्पेक्टेड एज विल एज ड्यूली रिवॉर्डेड आर्टिस्ट को जो है वह रिस्पेक्ट दिया जाता था रिवार्ड भी दिया जाता था तरह तरह के इनाम वगैरह भी उनको दिए जाते थे द डिसप्शन ऑफ अ डांस एंड म्यूजिक परफॉर्म ऑन द पैनल्स ऑफ टेम्पल एंड देर लव ऑफ म्यूजिक जो भी म्यूजिक वो परफॉर्म करते थे वो टेम्पल वगैरह में उनकी इस स्नेह प्यार को देख कर लोग काफ़ी उससे प्रभावित होकर उन्हें बहुत सारे इनाम से भी नमाजते थे इलाज नंबर ऑफ ए स्टैचूज ऑफ नटराज डांसिंग शिवावियर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द चोला रीजन चोला रीजन के दौरान ही जो है हम लोग देखते हैं नटराजन मूर्ति जो शिव का है शिव को नटराजन भी कहा जाता है क्योंकि शिव जी डांस जो है वो बड़ा अच्छा करते हैं तक धिनाधीन दिन और ताता थैया है ना जब गुस्सा होते हैं ना तो शिव जो है नृत्य करते हैं उनकी तीसरी नृत्य खुलता है तीसरी नेत्र तीसरी आंखें खुलती है और नृत्य करते हैं इसलिए उनको नटराजन भी कहा गया है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक विच इज बेस्ड ऑन द रागास फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड और इंडियन जो क्लासिकल इंडियन सांस्कृतिक जो संगीत है वो लगभग राग पर ही जो है वह पूरा बेस्ड है साहित्य और कला का यह जो है वह समन्वय विकास ये अगर देखा जाए तो मिडाइबल पीरियड में सबसे ज़्यादा हुआ क्योंकि मिडाइबल पीरियड के दौरान जो है हमारा इंडियन तरह तरह की चीज़ों से काफ़ी वो इन्फ्लुएंस हुआ एंड बिकॉज ऑफ़ दैट इन्फ्लुएंस वी सी दैट वाट इज़ गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया हम लोग अच्छी तरह से देख पा रहे थे और समझ भी पा रहे थे क्यों क्योंकि जैसे कि कवाली कवाली जो है वो बेसिकली जो है वो तरह से तुर्किश लोग हमारे यहाँ इंडिया में आए तो उन्होंने कवालीज गाया और कवाली की वजह से जो है हम लोग ज़्यादातर म्यूज़िक को भी जानते हैं कि म्यूज़िक में कवाली भी गाया जाता है फिर से सूफिज़्म लोग आए सूफियों ने तरह तरह के जो है वो संगीत जो है यहाँ दिखाया तो सूफी का एक अलग ही गाना आया जिससे सूफिज्म गाना जो है वह एक तरह से अपने अल्लाह या इश्ट के प्रति अफेक्शन को दर्शाने के लिए होता है जैसे कि हम लोग कृष्ण के लिए राधा के लिए या बहुत सारे देवी देवता हैं उनको दर्शाने के लिए अच्छे अच्छे जो है वो सॉन्ग पेश करते हैं तो उनके अफेक्शन के लिए दर्शाया जाता है तो चलिए आज के टॉपिक में बस इतना ही मिलेंगे हम लोग अगले क्लास समय तब तक जुड़े रहिए हमसे और बसते रहिए कोरोना से धन्यवाद जय हिंद